बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, हमने डिस्कस करना था एक्सपेंडिचर अप्रोच नेशनल इनकम मैनेजमेंट के हवाले से। एक्सपेंडिचर अप्रोच की बात हम डिस्कस कर रहे थे, बाकी तो हमने शायद डिस्कस कर ली थी, तो मुश्किल तो नहीं। एक्सपेंडिचर अप्रोच वो जो हमने जीडीपी की डेफिनेशन देखी थी, आप ऐसा कीजिए कि आपके पास जो इकोनॉमी के अंदर लोग स्पेंडिंग करते हैं, एक हमने क्या देखी थी प्रोडक्शन प्रोडक्ट अप्रोच, टोटल प्रोडक्शन जितनी हुई है उसको कैलकुलेट कर लो तो आप नेशनल इनकम कैलकुलेट कर लो। एक हमने इनकम अप्रोच देखी थी कि टोटल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो इनकम हुई है उसको कैलकुलेट कर लोगे एडजस्टमेंट्स के साथ तो आप नेशनल इनकम कैलकुलेट कर लोगे। एक ये थर्ड अप्रोच है कि आप एक्सपेंडिचर अप्रोच, इकोनॉमी के अंदर व्हाट एवर हैज बीन स्पेंडिंग स्पेंडिंग द इकोनॉमी वो एक्सपेंडिचर है, उस एक्सपेंडिचर को अगर आप कैलकुलेट कर लो तो यू विल कैलकुलेट द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर लेंगे, उसके अंदर आपके पास द टोटल वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन परचेजिंग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग द ईयर उसको हम एक्सपेंडिचर अप्रोच करते हैं। और फिर फाइनल गुड्स की यहां पे बात कर रहे हैं, जीडीपी के अंदर हमारे एग्जांपल दी कंजम्पशन है जी, इन्वेस्टमेंट है एंड देन गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, देन नेट ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। हमने जीडीपी पढ़ा था, क्या था जी, कंजम्पशन प्लस एक्सपेंडिंग इन इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस एक्स माइनस एन। तो एक्सपेंडिचर अप्रोच में आप बेसिकली अपनी जीडीपी को कैलकुलेट कर रहे हैं और ये हमारे पास कंजम्पशन आ रही है, ये इन्वेस्टमेंट आ रही है, ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग आ रही है और ये नेट फॉरेन एक्सचेंज मूवमेंट। तो टोटल जीडीपी आपने कैलकुलेट कर ली 800,000 टोटल जीडीपी। डिफिकल्टीज क्या है जी, there are certain difficulties। आप प्रोडक्शन में जब आपने की थी तो प्रोडक्शन करके हो सकता है कुछ आपने स्टॉक पे रख दिया, कुछ आपने कंजम्पशन अपने काम खुद किया, प्रोडक्शन की उसको खुद ही यूज कर लिया, तो खुद यूज कर लेंगे डू इट योरसेल्फ DIY जो हमें पता है, तो वो कहीं पे भी अकाउंट फार नहीं हो सकता, वो एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर नहीं हो सकेगा। तो गाड़ी खराब होगी आपने खुद ही रिपेयर कर ली, घर का पेंट आपने खुद कर लिया विदाउट अ ट्रांजैक्शन, तो फिर वो काउंट नहीं हो पाएगी। इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज का भी इश्यू है कि प्रोडक्शन के अंदर तो हमें इंपैक्ट नहीं आता था इनडायरेक्ट टैक्सेस का, लेकिन जब आप स्पेंडिंग करते हैं तो स्पेंडिंग के अंदर क्या था, मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू के अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्रीज दी टोटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज कंपेयर टू दी अमाउंट रिसीव्ड बाय दी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड वाइस वर्सा फॉर सब्सिडी। एक्सपेंडिचर टोटल इज देयरफॉर एडजस्टेड टू फैक्टर कॉस्ट बाय डिडक्टिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड एडिंग बैक सब्सिडीज। टॉप लेवल वो जो सब कुछ बिक्री किया फॉर एक्सपोर्ट नेट इंपोर्ट एंड एंड अनाउंस फॉर डेप्रिसिएशन टू अलाउ फॉर द कैपिटल यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। द स्टॉक लेवल चेंज इन स्टॉक लेवल फॉर एक्सपोर्ट नेट ऑफ इंपोर्ट उसको देखना है। तो दीज आर डिफिकल्टीज, हम ये सीधा सीधा समझें
टिल नाउ हमने कंजम्पशन और अपनी इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट स्पेंडिंग और नेट फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंसेस देखी तो हमारे पास एक्सपेंडिचर आ जाएगा। नहीं सर, उसके लिए आपको दो तीन चीजें देखते हैं कि फाइनल गुड्स के ऊपर सिर्फ एक्सपेंडिचर को काउंट कीजिएगा, डबल एक्सपेंडिचर ना कर दीजिए कि उसने बीज के ऊपर खर्चा खरीदा उसके ऊपर एक्सपेंस आपने काउंट कर लिया, फिर उसने फ्लॉक के ऊपर खर्च किया तो डबल काउंटिंग वाला इशू यहाँ पे भी आएगा, उसको ठीक कर लेना। और दूसरा अपना इशू जो आपका ऐसे काम है जिनको कि आप मार्केट में नहीं गए, डू इट योरसेल्फ डीआईवाई पे चीजें चलेगी तो उनका नहीं आएगा। सब्सिडीज को देख लेना, स्टॉक लेवल को एडजस्टमेंट कर लेना, जनरल प्रिकॉशंस तमाम मेथड्स के ऊपर। कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे जो कि तमाम मेथड्स के ऊपर इंपैक्ट करते हैं। आपने कहा कि जी के हम वेल्थियर नेशन ढूंढ रहे हैं, तो वेल्थियर नेशन ढूंढने के लिए आपने जीडीपी कैलकुलेट कर ली, लेकिन जीडीपी से सिर्फ और सिर्फ जीडीपी आप कहेंगे ये बहुत बेहतरीन है, वो ये बात नहीं है। क्यों? जीडीपी बर्मा हैज बीन कंसीडर्ड द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय मेजर ऑफ लास्ट नेशनल हैप्पीनेस, वर्ल्ड इंटरनल जीडीपी इज ओनली 122nd इन द वर्ल्ड। एक्यूरेसी ऑफ फिगर्स की भी हर जगह पे आपको प्रॉब्लम आएगी, 100% एक्यूरेट आप अपनी कैलकुलेशन में नहीं हो पाएंगे। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन इज इफ वी गो फ्रॉम This approach. ये approach क्या थी? CIG export less import taxes or subsidies और income approach wages की factor of production की income और output approach जो production की mining की agriculture आपकी primary sector secondary sector उन आपकी services में उन सब से अगर आप figures पे पहुंचेंगे तो आप इधर पहुंचेंगे GDP, gross domestic product of effective cost. फिर उसके अंदर आपने net foreign income from abroad, gross national product आ गई, less capital consumption, net national income आ गई, net national product। जी सदर पूछिए best approach कौन सी है? Best approach वो है जो कि आप अडॉप्ट कर लें। आमतौर पे हमारी जो डिस्कशन चलेगी अब वो जीडीपी की डिस्कशन और एक्सपेंडिचर अप्रोच की और आगे इस तरह की बातें चलेगी। और हम इंटरनेशनली भी जीडीपी जो कैलकुलेट हो रही होती है वो ज्यादातर मुल्कों में कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट स्पेंडिंग और इसके ऊपर फोकस हो रहा होता है। और अल्टीमेटली जब आप कंजम्पशन को बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं इनकम भी बढ़ रही है, कहीं ना कहीं वो प्रोडक्शन भी बढ़ रही है। तो फोकस ऑफ एन नेशन इज मोर लाइकली ऑन दीज फैक्टर्स। अच्छा जी, कुछ ऐसे मसाइल हैं जो कि सारे फैक्टर्स से रिलेटेड हैं। ये आईकैप अपने सारे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिफिकल्टीज और इश्यूज इन मेजरिंग नेशनल इनकम। ये क्या जी इश्यूज क्या है डिफिकल्टीज इन मेजरिंग नेशनल इनकम? नंबर ऑफ पर्सन बस भी बिफोर नेशनल इनकम इंपैक्ट विच मेजर टू यूज बात करेंगे कौन से अप्रोच को करना, विच मेजरमेंट कैप्चर एंड हाउ टू यूज इंफॉर्मेशन वन इट इज कलेक्टेड इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कौन करेगा, कैसे करेगा, देन डिफिकल्टीज मेजरमेंट प्रोसेस, लैक ऑफ ट्रेन स्टाफ, लोगों के पास मुल्कों के अंदर ट्रेन स्टाफ ही नहीं है, उन लोगों को आप कंपाइल करना, डेटा एनालिसिस करना, उसको उसमें से डबल काउंटिंग के इश्यूज को निकालना, उसमें से अपनी फिगर्स को एडजस्टमेंट्स करना मुश्किल काम है, हर एक बंदा नहीं कर पाता।
इलिटरेसी रिकॉर्ड कीपिंग एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर आप जाए आप पूछें कि आपने कितनी प्रोडक्शन की इस बार, तो वो कहेंगे यार जितनी भी प्रोडक्शन आई मैंने सारी अपना खेत का वो एक आड़ती आया था उसको बेच दिए, तो वो शायद रिकॉर्ड कीपिंग इतनी डिटेल में वो शायद अवेलेबल ना हो सके. देन सारी इंफॉर्मेशन पॉज होल्ड नहीं करती, उसकी क्या रीजन है? लीगल प्रोडक्शन, कुछ लोग इलीगल काम भी करते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे पाकिस्तान में सेल्स टैक्स को बचाने के लिए बहुत से प्रोडक्शन फैक्ट्रीज क्या करती हैं कि कम प्रोडक्शन शो करती हैं. असल में प्रोडक्शन ज्यादा की होती है, वो कम प्रोडक्शन शो करती है. क्यों कम करती है? ताकि लोगों गवर्नमेंट को कम सेल टैक्स देना पड़े. लोगों से तो सेल टैक्स पूरा ले लेते हैं, जितनी भी प्रोडक्शन करते हैं जो भी प्रोडक्शन बेचते हैं उसके ऊपर तो सेल टैक्स, तमाम 100% प्रोडक्शन जो है उसके ऊपर सेल टैक्स ले लेते हैं. लेकिन गवर्नमेंट तो उसमें से आधी या उससे कम प्रोडक्शन दिखा के गवर्नमेंट को कम सेल टैक्स जमा करवाते हैं, कहते हैं हमने प्रोडक्शन ही कम की है, हालांकि प्रोडक्शन ज्यादा की होती है. तो वो जो प्रोडक्शन है वो गिर गई, वो आपकी इकोनॉमी में कहीं पे साइड पे होती है, वो उसको अकाउंट साफ करना, उसको आइडेंटिफाई करना, लेकर आना, दैट इज ए डिफिकल्ट जॉब. देन बार्टर ट्रांजेक्शन है, बार्टर ट्रांजेक्शन भी हम इंक्लूड नहीं कर पाते क्योंकि वो मॉनिटरी टर्म के अंदर कहीं पे कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई. हिडन इकोनॉमी इनकम एंड ट्रेड दैट इज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस अथॉरिटी, वो भी आपका. डबल काउंटिंग, डबल काउंटिंग इज अ प्रॉब्लम जो हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं. फ्रॉम प्रोड्यूस गुड्स सप्लाई टू द अदर फर्म हु इनकॉर्पोरेट देम इनटू न्यू गुड्स, वो डबल काउंटिंग प्रॉब्लम है. ट्रांसफर पेमेंट्स, उसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी. विदाउट इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो पैसे एक शख्स के हाथ से दूसरे शख्स के हाथ में गए वो ट्रांसफर पेमेंट्स हैं, उनकी भी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी. देन डिफिकल्टी इन मेजरमेंट थी, डिफिकल्टी इन इंटरप्रिटेशन. वो जो आपने नेशनल इनकम निकाली है, मेजर की है, उसकी इंटरप्रिटेशन के अंदर डिफिकल्टी है. कैसे? सिंगल कंट्री कंपैरिजन ट्रेसिंग द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान ओवर पीरियड ऑफ टाइम, और आप इंटरनेशनल कंपैरिजन पाकिस्तान की इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी, यूएस की इकोनॉमी, उसको डिफिकल्टीज क्या है? इन्फ्लेशन डिस्टॉर्शन. एक मुल्क की जीडीपी ग्रो करेगी, फॉर एग्जाम्पल कंट्री ए एंड कंट्री बी दो ममालिक हैं, ए एंड बी, 1 kg राई वीट प्रोड्यूस किया दोनों ने, दोनों की प्रोडक्शन सेम थी. इन्होंने 2017 और 2018 अब 1 kg प्रोड्यूस किया, 100 rupees फॉर एग्जाम्पल था दोनों में, लेकिन इनका इन्फ्लेशन रेट फॉर एग्जाम्पल 10% था और इनका इन्फ्लेशन रेट फॉर एग्जाम्पल 50% था. जब आप नेशनल इनकम कंपेयर करेंगे तो ये कहेंगे जी कि 110 rupees की राइस की नेशनल इनकम है मेरी, ये कहेंगे 150 rupees की नेशनल इनकम है. अब कंट्री बी हमें नजर आ रहा है कि शायद उसकी नेशनल इनकम बहुत बढ़ गई है, बहुत बेहतर नेशनल इनकम हो गई है. इनिशियली कंट्री ए और कंट्री बी आपस में बराबर थे, और 2018 में हम देखते हैं कि वो कंट्री बी ने तो बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट कर ली है, उसकी नेशनल इनकम शायद बढ़ गई है. लेकिन ये जो हमारा इससे अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप कर रहे हैं सिर्फ 110 और 150 को देखकर, ये अंडरस्टैंडिंग गलत अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि दोनों की असल रियल नेशनल इनकम नेशनल प्रोडक्शन 1 kg वीट है. लेकिन जो इन्फ्लेशन का इंपैक्ट है दिस इज डिस्टॉर्टिंग द कंपैरिजन. आप एक दूसरे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते इन्फ्लेशन का इंपैक्ट. साल से दूसरे साल को भी आप कंपेयर नहीं कर सकते, एक साल से दूसरे साल को भी कंपैरिजन में मुश्किल होगी इन्फ्लेशन की इंपैक्ट की वजह से.
डिफ्लेटर टू रिड्यूस करंट वैल्यू टू रियल वैल्यू, कहता फिर रियल वैल्यू पे चले जाओ, अगर आपने इसको एडजस्टमेंट कर दी तो फिर रियल वैल्यू दोनों की रियल जी डी पी ग्रोथ उसको देखें। अच्छा जी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहते हैं कि नेशनल इनकम पर कैपिटा, जैसे हम पर कैपिटा इनकम को कहा था उससे हम कमिटे हैं कि जी पर कैपिटा इनकम यूएस की है जी $1,300 और पाकिस्तान की है फॉर एग्जाम्पल $20 एग्जाम्पल देना सर, एक्चुअली है कि नहीं ये नहीं कह सकते, फॉर एग्जाम्पल $1,300 और $20, तो हम ये दोनों को कंपैरिजन करके कह रहे हैं कि ठीक है पाकिस्तान के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो है और यूएस के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है, ये हम इंटरप्रेट करते हैं। तो कहते हैं ये जरा देख लीजिएगा कि ये इंटरप्रिटेशन करते हुए आपको थोड़ी सी बातों का मद्देनजर रखना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ ऐसा तो नहीं है कि $1,300 तो नजर आ रहे हैं लेकिन ये हर इंडिविजुअल के पास नहीं है, ये शायद 80% लोग इस से नीचे हैं, शायद वो $20 पर एनम इनकम कमा रहे हैं यूएस के अंदर, हो सकता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हाइल आइडेंटिफाइंग दी व्हाइल कंपेयरिंग दी टू कंट्रीज, इंटरप्रेट करने के लिए सिंपल फिगर्स के ऊपर आप देखेंगे जी के हाँ जी अमेरिका की पॉपुलेशन बहुत अच्छी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा है, पाकिस्तान की पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा नहीं है, तो हो सकता है सिर्फ अमेरिका की 20% पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई क्लास हो और 80% पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना हाई क्लास ना हो। फिर मैं कह रहा हूँ मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये एग्जैक्ट फिगर्स या एग्जैक्ट इस तरह से नहीं है, फिर लोग कंफ्यूज ना हो, आप ये ना कहें सामने कहा था जी के $1,300 है उसकी यूएस की पाकिस्तान की $20 है, पास ऑलमोस्ट इसके आसपास है लेकिन एग्जैक्ट नहीं, 80% जो वैल्यू मैं बता रहा हूँ कि उनके लोग है वो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दिखा रहे हैं ताकि हमें पता चले कि इनइक्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ विल रिप्रेजेंट अ डिफरेंट फिगर, पर कैपिटा इनकम सिंपल से हमें एनालिसिस बेहतर नहीं होगा। सोशल कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द वेलबीइंग ऑफ अदर फैक्टर्स without cost, there are externalities. For example, pollution, stress, crime. China ka per capita income shayad dekhenge, bahut behtar hoga. But pollution, Shanghai, highest polluted city. Us Shanghai hara ke aajkal kehte hain ki ye financial capital ke aas paas kaun hai. Aur us mulk mein ya us shahar mein rehne wale log बेचारे मास्क लगाकर और उस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छी हो तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा होगा, हो सकता है उस कंट्री के अंदर पोल्यूशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, क्राइम की वजह से, जिसको एक्सटर्नैलिटीज कह रहे हैं, लोगों का इतना अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ना हो, लोगों की लिविंग इतनी अच्छी ना हो। Different amount of leisure enjoyed by the different economies. Per capita does not mean कि पैसे ज़्यादा हो गए तो खुशी भी ज़्यादा होगी. पैसा is different thing and खुशी is different thing. अच्छा जी, फिर interpretation में difficulty in making international comparison. International comparison में फिर क्या issues आते हैं? Classification of activities between countries. कोई शख्स किसी एक्टिविटी को सर्विसेज के तौर पे कंसीडर कर रहा है तो दूसरा शख्स उसको एज ए प्रोडक्शन कंसीडर कर रहा है, तो क्लासिफिकेशन को इन पे आप इस वजह से सर्विसेज को सर्विसेज से कंपेयर करना चाहे तो मुश्किल हो जाएगा, दोनों ने क्या एक ही जैसी क्लासिफिकेशन की? अगर एक क्लासिफिकेशन नहीं की आपके लिए फिगर्स का कंट्री टू कंट्री कंपेयर मुश्किल हो जाएगा। रिलायंस ऑन मार्केट डेटा किधर से आ रहा है? दोनों कंट्रीज का डेटा किधर से आ रहा है? एक ने मार्केट से डेटा लिया और एक ने अपने तौर पे एस्टिमेट्स किए हैं कुछ इस तरह से, तो वो जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई। एक्सचेंज रेट डिस्टॉर्शन, हम कंपेरेबिलिटी ऑफ फिगर,
एक्सचेंज रेट की वजह से भी एक दूसरे के साथ आप कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। हम देखना चाहें कि आप यूएस का यूएस एंड पाकिस्तान जीडीपी क्या है, जीडीपी तो हमें किसी ना किसी एक कंपैरिजन में आना पड़ेगा। अगर हम इसको रुपीज में लिखेंगे और इसको रुपीज में लिखेंगे, डॉलर में लिखेंगे, तो कंपैरिजन नहीं हो सकेगा। हम कहेंगे कि $100 $100 तो कंपैरिजन नहीं हो सकेगा। तो कंपैरिजन करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि साहब ये $100 इसकी है और इसकी $1 है। फॉर एग्जाम्पल क्यों हमने कहा $1, हमने कहा $1 इज इक्वल टू ₹100। और अगर यही हमारा एक्सचेंज रेट $1 इज इक्वल टू ₹200 होता तो क्या होना था? हमने कहा था पाकिस्तान की जीडीपी इज $0.5 एंड अमेरिका की जीडीपी इज $100। कंपैरिजन करते हुए हमें ये देखना पड़ा। तो इस वजह से एक्सचेंज रेट डिस्टॉर्ट करते हैं आपकी कंपैरिजन को, इंटरनेशनल कंपैरिजन को। आपका एक्सचेंज रेट पिछले साल क्या था, इस साल क्या है, आप कंपैरिजन में तो उनको सेम करेंसी के अंदर देखना चाहेंगे। अलग अलग करेंसी में कंपैरिजन नहीं हो पाएगा आपसे। तो सेम करेंसी में लाने की जब आप एक्सचेंज रेट के ऊपर चीजों को देखे जाएंगे तो उससे हो सकता है कि दोनों ने क्या किया था, इसने जीडीपी 1 kg वीट दोनों ने दोनों सालों के अंदर 1 kg वीट उगाया था। इसने 1 kg $100 में बेचा था, इसने 1 kg ₹100 में बेचा था। लेकिन कंपैरिजन में जब जाएंगे तो ये आपका कंपैरिजन चीज नहीं हो रहा होगा, प्रॉब्लम है। तो कहता है ये जरा ध्यान कर लीजिएगा, आपके एक्सचेंज रेट डिस्टॉर्ट करेंगे आपकी इंटरनेशनल कंपैरिजन के अंदर। फिर क्या है, डिफरेंट अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं, जिसको गैप कहते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। पाकिस्तान के अंदर जब हम कैलकुलेशंस कर रहे होंगे, हम IFRS के अंदर लगा रहे होंगे। इन यूएस में जब कैलकुलेशन हो रही होगी तो उन्होंने अपने गैप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यूएस के अकाउंटर को इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, तो कैलकुलेशन चीजों के अंदर प्रॉब्लम आएगी। डिफरेंट क्लाइमेट, ऑल कंट्रीज स्पेंड लेस ऑन हीटिंग एंड क्लोथिंग देन कोल्ड मंथ्स और देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज अनअफेक्टेड। तो ये जरूरी नहीं है कि देखिए आप दो कंट्रीज को कंपैरिजन कर रहे हैं और एक का कह रहे हैं कि जो उसने क्लोथिंग के ऊपर ज्यादा खर्चा किया है तो वो ज्यादा खुशहाल कंट्री है। भाई वहां पे सर्दी ज्यादा पड़ती है, उनको खर्चा करना पड़ता है गर्म कपड़ों के ऊपर, और जो गर्म लोग है जहाँ पे सर्दी नहीं पड़ती वहां पे गर्म कपड़ों के ऊपर खर्चा नहीं करना पड़ेगा। तो उस वजह से आप इसको ना देखें, इसको इंटरनेशनल कंपेयर करें। और फिर डिफरेंट प्रोडक्शन प्रायोरिटीज भी होती हैं, कंट्री में प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड अनदर प्रोड्यूस कैपिटल गुड बोथ विल हैव द सेम इनकम दो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल बी डिफरेंट। तो ये हमें डिफरेंट चीजें प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद नेशनल इनकम वो हमने देखी है। क्लियर है जी, कोई मुश्किल तो नहीं? एग्जामिनर इनके ऊपर कई दफा क्वेश्चन पूछ चुका हुआ है इन न्यूमेरिकल वे के अंदर, क्वेश्चन कर चुका हुआ है कि जनाब आपको कुछ फिगर्स देता है और उन फिगर्स के को आपको यूज करना होता है टू मेजर द नेशनल इनकम, और वो डिफरेंट मेथड्स से कहता है कि ठीक है आप नेशनल इनकम की मुझे बताइए। अच्छा, अब उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम
टैग की बुक के कुछ एग्जांपल्स हैं, न्यूमेरिकल एग्जांपल्स हैं, तो वो मैं आपसे व्हाट्सएप के ऊपर शेयर कर लेता हूँ। उन न्यूमेरिकल एग्जांपल्स को आप स्टडी कर लें और उन न्यूमेरिकल एग्जांपल्स को आप प्रैक्टिस कर लें। तो उसमें जो हमारा इससे रिलेटेड, न्यूमेरिक से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, वो फिर आप मेरे साथ नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे कि जनाब ये क्या बात कह रहे थे या ये क्या है इस चीज़ के बारे से, क्योंकि उसमें काफ़ी चीज़ें आपको नजर आएंगी रिलेटिंग टू द नॉमेनक्लेचर और कॉन्सेप्ट के हवाले से, तो उसको हम फिर वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, मैं बैग की बुक में से आज अभी व्हाट्सएप पे आपको फॉरवर्ड कर दूंगा ये जो हमारी न्यूमेरिकल एग्जांपल्स हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप इज आवर एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड, उसकी डिस्कशन है। यहाँ पे हमारा कोई इशू तो नहीं है, अच्छा जी, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई वो क्या चीजें हैं जी, ये हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। हमने एग्रीगेट डिमांड तो अभी देख ली है, हमने जब जीडीपी की डिस्कशन की, जीडीपी की डिस्कशन के अंदर हमने कहा था कि जनाब consumption plus government spending plus investment plus x minus m, this is our GDP। और ये क्या था, ये एक्सपेंडिचर अप्रोच में भी हमने देखा था। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है कि लोग आपकी इकोनॉमी में क्या अखराजात करते हैं, वो क्या अखराजात खर्च करना चाहते हैं। तो हमने देख लिया कि जहाँ वो कंजम्पशन करना चाहते हैं, गाड़ियाँ खरीदना चाहते हैं, आपसे वो चाहते हैं कि पेट्रोल की कंजम्पशन करना चाहते हैं, शायद वो एयर कंडीशनर, स्कूल्स की सर्विसेज, हॉस्पिटल की सर्विसेज, आर्किटेक्ट की सर्विसेज। तो ये हमें इकोनॉमी के अंदर जो तमाम फैक्टर्स हैं, तमाम सेक्टर्स हैं, चाहे वो आपका सर्विस है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है, प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग, सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग, वो तमाम एरियाज के अंदर जो डिमांड की जा रही है, डिमांड एग्रीगेट डिमांड। अब हम पहले हम डिमांड की बात करते थे मार्केट डिमांड, अब हम बात कर रहे हैं एग्रीगेट डिमांड। इट इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन, द सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर्स डिमांड। पहले हम सिर्फ बात करते थे एयर कंडीशनर की डिमांड, अब हम बात कर रहे हैं एयर कंडीशनर्स, पेट्रोल, गाड़ियां, सड़कें, ट्यूबलाइट्स, आपके बल्ब, आपके पैन, व्हाट एवर the economy is demanding on a certain price level। आपका इकोनॉमी का भी तो एक सर्टन प्राइस लेवल होगा, होगा कि नहीं होगा, प्राइसेस अगर हम कहें जो हमारा कितना एग्रीगेट डिमांड आएगा, ठीक है आपने कहा कि मुझे एयर कंडीशनर चाहिए, तो हम तो 1 करोड़ रुपए का एक एयर कंडीशनर देंगे, वो कोई खरीदना चाहेगा। तो जनरल प्राइस लेवल इज डिटरमिंड, और जनरल प्राइस लेवल अगर हाई हो जाए, जनरल प्राइस लेवल की बात कर रहे, किसी एक प्राइस की बात नहीं कर रहे, लेकिन इकोनॉमी के अंदर प्राइस लेवल क्या है उसकी बात कर रहे हैं। अगर आपका जनरल प्राइस लेवल हो, एक आपका तमाम प्रोडक्ट्स की एक सर्टन लेवल ऑफ प्राइसिंग हो,
तो उसके ऊपर आपकी इकोनॉमी के अंदर सर्टन डिमांड होती और वो लाभ डिमांड वाला प्रिंसिपल इधर भी होगा। क्या लाभ डिमांड का प्रिंसिपल है कि प्राइस लेवल हाई होगा तो डिमांड लो होगी और प्राइस लेवल लो होगा तो एग्रीगेट डिमांड हाई होगी। तो एग्रीगेट डिमांड की कर्व हमें नजर आ रही है, हम कह सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड की कर्व विल बी लाइक दिस इज आवर डीडी में क्या है, दीज आर ऑन दिस साइड वी हैव प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल इकोनॉमी का, और दिस साइड पे आउटपुट प्रोडक्शन या आउटपुट। नाउ एज प्राइस लेवल डिक्रीजेस आवर एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेस, एज प्राइस लेवल इंक्रीजेस आवर एग्रीगेट डिमांड डिक्रीजेस। तो एग्रीगेट डिमांड की शक्ल सूरत हैयर और उसका बिहेवियर तकरीबन जो हमारा जो हमारी डिमांड कर्व है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, मार्केट की डिमांड कर्व है उसके मुताबिक ही है, उसमें कोई तब्दीली हमें नजर नहीं आई। ठीक है जी। दूसरी जानेब आगे एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई अब क्या है, एक सर्टन प्राइस लेवल के ऊपर, सर्टन प्राइस लेवल के ऊपर आपकी इकोनॉमी में लोग सप्लाई करने के लिए किस कदर तैयार है, किस कदर इकोनॉमी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके लोग सप्लाई करने को तैयार है। और ये सिर्फ एक प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही, ये आपके तमाम सेक्टर्स, तमाम सेक्टर्स, तमाम आपके सर्विसेज गुड्स, उन सब की जो मिला के गाड़ियां कितनी प्रोड्यूस करना चाहते हैं, एयर कंडीशनर, पेन, पेंसिल्स, ट्यूबलाइट्स, आपके चेयर्स, फर्नीचर्स, रोड्स, बिजली, व्हाटएवर यू नेम इट, और वो जो इकोनॉमी की जरूरत है जिसके ऊपर जो इकोनॉमिक प्रोडक्ट है उसकी जो सप्लाई है, इकोनॉमिक प्रोडक्ट की सप्लाई इन द इकोनॉमी, उसकी डिस्कशन हो रही है। और इसके अंदर भी कहा, इसके अंदर भी कहा कि जनाब ये भी जनरल प्राइस लेवल के साथ रिलेट करेगा। अगर जनरल प्राइस लेवल हाई होगा तो जो हमने कहा सप्लाई करना पड़ा था, तो जनरल प्राइस लेवल के साथ ये भी बढ़ जाएगा, और अगर जनरल प्राइस लेवल लो होगा तो एग्रीगेट सप्लाई कम होगी। तो इसका जो हमें नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है आपके, फॉर एग्जाम्पल दिस, जिस तरह से हमें रिसप्लाई कर्व थी उसी तरह से ये एग्रीगेट सप्लाई भी हमें नजर आ रही है, एग्रीगेट सप्लाई हमें इसी तरीके की नजर आ रही है। लेकिन इसमें एक सिर्फ ट्विस्ट है, एक ट्विस्ट क्या है, एक ट्विस्ट है कि ना इकोनॉमी की आपकी आउटपुट, आउटपुट आपकी बेताशा इंक्रीज नहीं हो सकती। बेताशा का मतलब क्या है कि आपकी इकोनॉमी की एक कैपेसिटी है, फुल एम्प्लॉयमेंट अगर हो जाती है, अगर आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मुकम्मल तौर पर इम्प्लाई हो जाए, मुकम्मल तौर पर अपना काम करना पूरी कैपेसिटी पे पहुंच जाए तो क्या होगा, तो फिर उस सिचुएशन में जब वो अपने पूरी पे पहुंच गए तो आप प्राइस को इंक्रीज करेंगे भी तो आपकी आउटपुट इंक्रीज नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं इंक्रीज हो पाएगी,
क्योंकि आप इस प्राइस लेवल पे पहुंच गए हैं जिसको आप फुल यूटिलाइजेशन कहते हैं, आप फुल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। इसके बाद प्राइस बढ़ी लेकिन आउटपुट बढ़ ना सकेगी, आउटपुट एक ही लेवल पर स्टेगनेंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अपनी फुल कैपेसिटी पे पहुंच गए हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट पे पहुंच गए हैं। यू आर यू विल बी अनएबल टू एक्सपेंड योर सप्लाई बियॉन्ड दिस पॉइंट, यू विल बी अनएबल। क्लियर है? आप जैसे जैसे यहां तक तो आप गए क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो रही थी, आपकी एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ जा रही थी, आपने किया। लेकिन जब आप फुल एम्प्लॉयमेंट पे पहुंच गए तो आपकी प्राइस इंक्रीज हुई बट आपकी आउटपुट एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज नहीं हो पाएगी, आउटपुट विल रिमेन ऑन दैट पॉइंट और बिल्कुल परफेक्टली इन इलास्टिक हो जाएगी। Let's look at the total supply, aggregate supply, and services produced in an economy at a given overall general price level. It gives the relationship between the price level and quantity of output that firms are willing to supply. As with regular supply, the relationship between aggregate supply and price is often a positive one, meaning that a high price level firm are willing to produce more. One thing to note here though is the shape and behavior of aggregate supply curves is debatable among economists. वो कहता है जी कि economists के अंदर debatable है। कुछ लोग कहते हैं कि जनाब ये इस तरीके का behavior होगा। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई, सर्टन प्राइस लेवल जो तक तो ये एक तरह का बिहेवियर मिलेगा, एक मिनिमम प्राइस लेवल, कोई भी शख्स इतने प्राइस के ऊपर कोई प्रोडक्शन नहीं करना चाहेगा। तो यू नीड टू हैव सर्टन प्राइस लेवल, ये प्राइस लेवल इस तरह की कर्व आपकी होगी, ये इस तरह की स्ट्रेट लाइन नहीं होगी आपकी, उसकी जो स्लोप है कॉन्स्टेंट स्लोप नहीं होगी, इट विल हैव समथिंग लाइक दिस, ये इस तरह की कर्व होगी। क्यों इस तरह की होगी? कि भाई ना ये जो प्रोड्यूसर है ना, वो प्रोड्यूसर बिल्कुल इससे नीचे वाली तरफ जाना ही नहीं चाहेंगे, वो मिनिमम प्रोडक्शन भी इतनी प्राइस पे होगी तो फिर मिनिमम प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, इस प्राइस के ऊपर तो वो प्रोडक्शन उनके लिए फिजिबली नहीं होगी। सो दे विल नॉट बी एबल टू डूइंग दिस, जीरो से स्टार्ट करेंगे। ये क्या, ये आपकी गलत परसेप्शन है, ये इस बिहेवियर को प्रॉपरली शो नहीं करती। तो आपको यू विल हैव टू इंसेंटिवाइज टू सर्टेन एक्सटेंट, जब आप सर्टेन एक्सटेंट तक एक्सटेंसिवाइज इंसेंटिवाइज करेंगे फिर वो जाके ये करना शुरू करेंगे और फिर एंड में जाके हाँ एक लेवल आएगा जहां पे वो प्राइस उनको इम्पैक्ट करेगी, लेकिन फिर वो आपका फुल इम्पैक्ट आ जाएगा तो फिर प्राइस इम्पैक्ट करना छोड़ देगी, आप प्रोडक्शन आउटपुट बढ़ा नहीं सकेंगे। ये दो डिफरेंट थॉट्स हैं इस अंदर इकोनॉमिस्ट के, डिबेट अमंग इकोनॉमिस्ट। फर्स्ट वी शैल प्रेजेंट द थ्योरीज ऑफ नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एंड सेकंड द व्यू ऑफ कीन्सियन जॉन मेनर्ड कीन्स। शॉर्ट ऑन एग्रीगेट सप्लाई, हम न्यू क्लासिकल की बात में कर रहे हैं, न्यू क्लासिकल एज विद अदर कांसेप्ट इन इकोनॉमिक्स आवर एनालिसिस ऑफ एग्रीगेट सप्लाई डिफर इन द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। दिस एज वी फाउंड बिफोर हैज टू डू विद द फ्लेक्सिबिलिटी अफेक्टेड एंड द पोटेंशियल आउटपुट दे आर कैन गिव। इन द शॉर्ट रन द एग्रीगेट सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड एज ए रेगुलर सप्लाई कर्व, ये शॉर्ट रन की बात है, लॉन्ग रन में बिल्कुल स्ट्रेट हो ये होने का। दिस इज शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। The level of aggregate supply is determined by supply side performance. और ये shift होती है, shift in supply curve किस वजह से shift होती है? Price level के अलावा किसी और वजह से, आपकी अच्छी हो गई आपकी economy के अंदर, number of reason rather than remaining static, as we know from earlier section, there are exogenous
factors that likely to cause shift. Below is a diagram of short-run aggregate supply curve shifting. ये हमने shift ही देखी. कोई इसमें मुश्किल नहीं है. Short-run aggregate supply curve. What causes productivity, labor and capital? Capital stock change, sign quality of labor, unit cost of labor, producer tax subsidies, changes, inflationary expectations. ये कुछ causes हैं जो हमने अपने normal supply curve के लिए भी देखी. Long-run aggregate supply curve, long-run कहते हैं जी कि बिल्कुल ही सीधा सीधा ये full employment के ऊपर ही आएगा. Long-run aggregate supply curve, full employment पे होगा. Full employment से आप कहीं भी और जा नहीं सकेंगे long-run aggregate supply curve में. और long-run aggregate supply curve की shift भी straight की straight shift होगी. अंदर की तरफ यहाँ प्लाय की तरफ देखें स्टेट की स्टेट शिफ्ट होगी. किंग्स भाई आगे किंग्स भाई ने कहा फ्रॉम दिस अप्रोच एग्रीगेट सप्लाई विल नाउ टर्न आवर अटेंशन टू किंग्स. किंग्स स्टिल व्यू दैट मैक्रो इकोनॉमिक इंटरनल प्राइस लेवल एंड रियल आउटपुट प्रोबेबिलिटी आर नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द शॉर्ट टर्म एंड द लॉन्ग टर्म. किंग्स स्टिल बिलीव दैट व्हेन द इकोनॉमी रीचेस इट्स प्रोडक्टिव पोटेंशियल द एग्रीगेट सप्लाई कर्व विल बी वर्टिकल. हाउएवर when the economy isn't at full output, they believe that the aggregate supply curve will be flatter because any resources aren't being fully utilized. If there are underutilized resources, then as output increases, this won't put pressure on the price level. Instead, the economy will just use up spare capacity. It is only once the economy approaches its production potential will firm begin having the power to influence price upward. यहाँ था वो कहते हैं कि अब यहाँ पर तो आप मजबूरन भी करना पड़ेगा लोगों को काम. इससे नीचे वाली तरफ आप सप्लाई को कंट्रोल करके प्राइस लेवल में ला इस प्राइस लेवल तक तो करेंगे यहाँ पे आप फुल पोटेंशियल पर पहुंच के खत्म करेंगे. फुल इंप्लायमेंट डिमांड एट फैक्टर प्रोडक्शन आर फुली यूटिलाइज इन एन इकोनॉमी. एग्रीगेट डिमांड aggregate demand, total amount of goods and services demanded within an economy at a given overall price average in a given time period. Aggregate demand curve, short-run aggregate demand curve, aggregate demand curve. This is aggregate demand curve on the aggregate. Shifts, इस वजह से आपकी consumption में change आ गई, किसी और चीज में change आ गई, consumer के behavior में change आ गई, consumer farms have optimum government decide export become more attractive, import become less effective, effective demand or expenditure in economy is based on existing actual income rather than if the economy was at its production potential when our resources are utilized. So effective demand is for our demand. Effective. जी, thank you very much. आज थोड़ा सा ऊपर चले गए, लेकिन we just need to conclude on that aggregate demand or aggregate supply. कल हम output gap की बातें करेंगे. बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़.